आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता नहीं था क्या विपक्ष के पास जिसको यहाँ पर अपने भाई भतीजे को लाना पड़ा? बस कहीं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, उनके घर का भाई, उनके घर की पत्नी, उनके घर की भवे, उनके घर की बेटी, यही लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा राजा रहे हैं और राजा बनकर रहना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे ही समझते हैं कि ये प्रजा के रूप में रहे। ये इनको कभी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं देते। बस आजमगढ़ में मैं आज भी यहाँ आई हूँ, हमारे दलित, हमारे अति पिछड़े, उन लोगों के बीच कोई काम नहीं हुआ। आज भी वैसे ही सड़कें, वैसे ही नालियाँ हैं। यहाँ पे 10-10 सीटें जीतने वाले, अगर उनको लगता है कि ये सुशासन है तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है और डबल इंजन के साथ है। आजमगढ़ में 23 तारीख को मतदान होना है लोकसभा उपचुनाव का, जिसको लेकर यहाँ पर अगर बात कर लिए तो समाजवादी पार्टी के जितने कद्दावर नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो आजमगढ़ में डेरा डाल चुके हैं। वही अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आजमगढ़ में डेरा डाल चुके हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी मौजूद हैं। इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है यहाँ से, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से लोकसभा उपचुनाव के दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लक्ष्मी, आपका रिपीट में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनाव के लिए, क्योंकि आजमगढ़ में अभी तक कमल नहीं खिला है, क्या कहेंगे आप? कमल खिलाने ही हम लोग आए हैं। अच्छा जी, क्या लगता है कि 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, कितना मुश्किल रहेगा भाजपा के लिए यहाँ पर? अरे मुश्किल कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और सुशासन कर रही है, विकास का कार्य कर रही है। और डबल इंजन की सरकार दिखा दी है गरीब आम जनता का कार्य करके। आम जनता समझ चुकी है कि हमारे शुभेच्छु कौन है और 10 सीट क्या होता है। पूरे उत्तर प्रदेश को हमने जीता है और यहाँ भी जीत सवाल भी हमारा यही कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आजमगढ़ में कमल नहीं खिल पाया। अरे आजमगढ़ में कमल खिलने जा रहा है और हमारा निरहुआ जीतने जा रहा है और हमारे समाज के लोग यहाँ हाथ उठा के हमें आश्वासन दिए कि वो जो है विकास के नाम, सुशासन के नाम पर वोट देंगे। दूसरा सवाल है, आप विजय लक्ष्मी गौतम सरकार में है, आप फिर भी आप लोगों के बीच में आती है, तो क्या मेन समस्या आपको लगती है कि जो अभी तक आजमगढ़ अछूता रहा है? आजमगढ़ में मैं आज भी यहाँ आई हूँ, हमारे दलित, हमारे अति पिछड़े, उन लोगों के बीच कोई काम नहीं हुआ। आज भी वैसे ही सड़कें, वैसे ही नालियाँ हैं। यहाँ पे 10-10 सीटें जीतने वाले, अगर उनको लगता है कि ये सुशासन है तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है और डबल इंजन के साथ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे, दो मिनट, लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि 23 तारीख को मतदान है, तो क्या कहेंगे आजमगढ़ की जनता से, क्या कहना है आपको? आजमगढ़ की जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना विकास, 8 साल में प्रधानमंत्री जी के कार्यों को आप सभी ने देखा है। 8 साल में हर घर को छत, हर घर शौचालय, राशन कार्ड से 2-2 बार जो है सब चीज़ देना, और इतनी जितनी भी योजनाएं हमारी है सब हमारे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं और इस योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। ऐसे शासन उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है, इसके साथ ही विकास है और हमारे निरहुआ हमारे इस हिस्सा है, हमारे सदस्य है, यहाँ से जो प्रत्याशी बन के खड़ा है बहुत ही अच्छा और सौम्य प्रत्याशी, जो आपके बीच में रहने वाला एक कलाकार प्रत्याशी, जो आपका अच्छा काम करेगा, गरीब घर का बेटा जो हर समय आपके बीच में घूमता है, और आपका प्रत्याशी जिसको छल कपट नहीं आता, जिसको गुंडागर्दी नहीं आती, अपनी बात बेबाकी से रखता है, तो ऐसा ही हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए और वो हमारे बीच आ चुका है और उसको हमारी बहनें जिताने के लिए अपना हाथ उठा चुके हैं। अच्छा, विपक्षी लोगों का आरोप है कि निरहुआ हीरो है तो राजनीति नहीं कर सकते, क्यों? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति करने का हक है और अधिकार है, और तमाम लोग जो विपक्षी लोग कह रहे हैं उनके बीच भी बहुत कलाकार हैं और उनको टिकट दिया है और मंत्री और नेता बनाया है, हमेशा ही बनाया है, तो लोकतंत्र में हम कहीं किसी भी हिस्से को पीछे नहीं छोड़ सकते, सारे हिस्सों को लेकर के ही हमारा सब लोकतंत्र पूरा होता है। लास्ट सवाल है, आजमगढ़ में क्या परिवारवाद दिखा? परिवार, बिल्कुल परिवारवाद दिखा है। सुशील आनंद को टिकट दिया गया, उसके बाद आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता नहीं था क्या विपक्ष के पास जिसको यहाँ पर अपने भाई भतीजे को लाना पड़ा? बस कहीं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, उनके घर का भाई, उनके घर की पत्नी, उनके घर की भवे, उनके घर की बेटी, यही लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा राजा रहे हैं और राजा बनकर रहना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे ही समझते हैं कि ये प्रजा के रूप में रहे। ये इनको कभी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं देते। बस अब क्या आप खुद, हम क्या कहें, आप ही का ये सवाल है और उसमें ये जवाब है कि परिवारवाद किस तरह व्याप्त है। 3 साल में छोड़कर भाग गए अखिलेश यादव आजमगढ़।
अब तो पूरी तरह से जनता ने भगा दिया है, अब मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी, इनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना कि आजमगढ़ में इस बार कमल जरूर खिलेगा। यूपी टीवी के लिए सीमोस्ती रिपोर्ट।